तो चलिए हम हेल्थी और टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। ये हमने लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा घी, इसको मेल्ट होने देते हैं। ये हमने ली है आधी कटोरी सूजी, इसको घी में हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमें बराबर चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हो हमारी सूजी कैसे खिली खिली हो गई है, भुनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। ये सारा हम इसमें निकाल लेंगे और कढ़ाई को कर लेंगे साफ। अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल को गरम होने देते हैं। तेल हो गया है गरम, अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने, थोड़ा सा जीरा, अब इसमें कटा हुआ प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें उड़द दाल डाल देंगे साबुत। थोड़े से करी पत्ता। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम मटर के दाने डाल देंगे। तेल में इसे अच्छे से, मटर के दानों को हमें अच्छे से पका लेना है साथ में। ये देखिए मटर हमारा पक चुका, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और इस नमक डालने से टमाटर भी जल्दी गल जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए। आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो हमें अच्छे से मिक्स करके इन सबको पका लेना है। इसमें एक चीज़ और मैं और ऐड करूँगी, ये है मैगी मसाला। इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उपमा का। आप ज़रूर मैगी मसाला डालकर ट्राई करें। तो देखिए हमारी मटर टमाटर सारी चीज़ें पक चुके हैं। अब हमने ली थी आधी कटोरी सूजी, तो उसमें उसी के हिसाब से हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा उपमा खिला खिला नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें आ गया है उबाल अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो जो है वो खिला खिला नहीं रहेगा और गांठ गांठ जैसी बन जाएंगी। थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और चलाते जाना है साथ साथ में। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारी सूजी डालनी है और बराबर चलाते रहना है और फ्लेम को स्लो रखना है। ये देखिए गाढ़ा होने लगा। अब इसमें हम हरा धनिया भी मिक्स कर देंगे साथ में ही, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स हुआ है तो गैस को ऑफ करके इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही ढक कर रख देंगे। दो से तीन मिनट ही ढकना है, उसके बाद देखिए
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हो कितना खिला खिला उपमा बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये ब्रेकफास्ट। तो हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। देखिए कितना टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राई करिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।